तीसरी विडंबना इस कलयुग की, इस ग्रंथ में कलकाल के दोष और उससे बचने के उपाय, उन दोषों को देखकर भगवान का प्राकट्य और अपराधियों के ऊपर भगवान की चली हुई तलवार, और उसके बाद धर्म की स्थापना। तीन अंश हैं इस पूरे ग्रंथ के, प्रथम अंश, द्वितीय अंश और तृतीय अंश, तीन ही अंश है। प्रथम अंश में कलकाल के दोषों को बताया, दूसरे अंश में उससे बचने के उपाय बताए, और तीसरे अंश में भगवान ने कैसे अन्यायी और दुष्टों का मारण किया है। तीन अंश में जन्म से लेकर के लास्ट तक की कथा का वर्णन कर दिया। इसके दूसरे अंश में लिखा है, अभी तो कलयुग अपने बचपने में है, जब ये कलयुग पूरी जवानी में होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग राम कृष्ण का नाम लेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। इसमें लिखा है उनको कारागृह मिलेगा। जो भगवान का नाम लेंगे, इस ग्रंथ में लिखा है, उनको कारागृह मिलेगा। कलयुग अभी तो दुदुमुआ है, अभी क्या है, 5000 कुछ वर्ष इसको हुए हैं, और उम्र है इसकी 432000 वर्ष। अभी तो पालना में झूल रहा है भैया। जब ये अपनी युवान अवस्था में होगा, तीर्थ नहीं होंगे, नदियां सूख गई होंगी, ये सिर्फ कहने को ही रह जाएगा कि किसी जमाने में भांवरें पड़ती थी, पशुओं से भी गिरी हुई जिंदगी हो जाएगी, और जिसने धोखे से भी कहीं ईश्वर का नाम लिया तो उन्हें कारागृह मिलेगा, और उस समय कृष्ण नाम से भारी चिढ़ होगी। राम कृष्ण का नाम नहीं ले पाएगा कोई, अभी तो शुरुआत भी नहीं है ठीक से। आने वाला समय देखिए, 5 वर्ष की बच्ची को संतान होगी, लोग एक्सीडेंट में मरेंगे, बीमारी से मरेंगे, समय से किसी की मृत्यु नहीं होगी। कोई 10 साल जिंदगी जी लेगा तो ये कहा जाएगा कि फला व्यक्ति 10 साल जीवन जी के गया है। कलकाल में लोगों की हाइट बहुत कम होगी, उनकी ऊंचाई बहुत ना के बराबर होगी, लंबाई बस इतनी होगी कि धूप लगे तो बैगन के पेड़ के नीचे बैठेगा। आने वाले कलयुग में ढूंढने से तुलसी नहीं मिलेगी, बेलपत्र नहीं मिलेगा, कदम नहीं मिलेगा, पीपल और बरगद नहीं मिलेगा। जहां आप देखेंगे आपको भांग के पेड़, तम्बाकू के पेड़ और बैगन के पेड़ दिखाई देंगे, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। फल नहीं होंगे, बोल वाला लहसुन और प्याज का होगा, स्पष्ट लिखा है इसमें। पलांडुम चाह लहसुनम, ये लोगों को प्राणों से ज्यादा प्रिय। आज आप सेब खाकर इतने खुश नहीं होंगे, उस समय लोगों को ये चीजें इतनी प्रिय होंगी। 3 पेड़ ज्यादा दिखाई देंगे, फूल वाला वृक्ष नहीं दिखेगा, फल वाला पेड़ नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। गांजा, भांग, तम्बाकू और बैगन, इस ग्रंथ में लिखा है कि जब व्यक्ति को भारी धूप में परेशान होगा तो उसकी हाइट, उसका कद इतना होगा कि धूप में वह बैगन के पेड़ के नीचे अपनी धूप शांत करेगा। अधर्म का तांडव नृत्य, यदि किसी ने राम कृष्ण का नाम ले दिया तो ये सोचा जाएगा कि अब इसका मर्डर कितनी देर में होने वाला है। सत्ता विधर्मियों के हाथ होगी, श्वास लेना मुश्किल होगा, लोग अकाल मौत से मर रहे होंगे, चारों तरफ अधर्म और अन्याय का तांडव नृत्य हो रहा होगा। ये स्तुति होगी जो धर्म और कर्म के साथ जिंदगी जीना चाह रहा होगा वो मारे जा रहे होंगे बिल्कुल। लेकिन उस समय में भी कुछ ऐसे लोग होंगे,
सुखदेव भगवान रो करके कहते हैं मार्कंडेय को, हे मार्कंडेय मृखंड पुत्र, उस समय भी तुम जैसे ऐसे लोग होंगे वो मौत से डर नहीं रहे होंगे, अपने धर्म कर्म को छोड़ करके भाग नहीं रहे होंगे। उस समय भी कुछ लोग ऐसे होंगे जब कल्कि देव प्रकट होंगे तब भगवान कल्कि नारायण उन्हीं लोगों के माध्यम से धरती पर सतयुग की स्थापना करेंगे। ये कथा सुना।